समाज मुख्तलिफ समाजी और अखलाकी बुराइयों का शिकार है, खुसूसन नौजवान बेरहमी का शिकार हो रहे हैं। समाज की बेशतर बदअखलाकियाँ और बदकरदारियाँ नौजवानों में देखी जा सकती हैं। इन बुराइयों की वजह से न सिर्फ नौजवानों की जिंदगियाँ तबाह और बर्बाद हो रही हैं, बल्कि पूरा माशरा इन बुराइयों की वजह से असर अंदोज हो रहा है। नौजवानों में जो बुराई सबसे ज़्यादा देखी जा रही है वो ड्रग्स का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ये नौजवान पूरी तरह से अपना वजूद खोते जा रहे हैं। ना इनमें सोचने समझने और कुछ करने की सलाहियत है, ना ही इन नौजवानों में जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूती का तसव्वुर किया जा सकता है। आए दिन हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही हैं या अच्छे जोड़ों के इंतज़ार में अपनी उम्रें गंवा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में लड़कों की शरह पैदाइश में कमी आई है, बल्कि मुसलमानों में लड़कियों के बराबर या उससे ज़्यादा लड़के मौजूद हैं, मगर यहाँ मामला क्वान्टिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का है। अच्छी क्वालिटी नौजवानों में ना होने की वजह से नौजवान लड़कियां उन लड़कों से दूर होती जा रही हैं और वो गैरों के चक्कर में अपने आप को सौंप रही हैं। मुलहिद होने की ये भी एक वजह है। इसी तरह से नौजवान नस्ल में गांजा अफीम और दूसरी नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल से नौजवान पूरी तरह से नाकारा हो रहे हैं, बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं और आला तालीम से दूर हो रहे हैं। ऐसे में कौन सी लड़की ऐसे नौजवानों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होगी? नशा इस कदर तेज़ी के साथ नौजवानों पर हावी हो रहा है कि इन नौजवानों को बचाना अब समाज की जिम्मेदारी हो चुकी है। हर दिन सैकड़ों नौजवान नशे की इस बुरी आदत से अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, मगर इनकी बाज आबादकारी या इसलाह के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। जिन वालिदैन को अपने इन बच्चों की कमियां और खामियां मालूम हैं, वो भी अपने बच्चों की इसलाह के लिए तैयार नहीं हैं। बाज़ वालिदैन ये समझते हैं कि अगर इनके बच्चों की इन खामियों को किसी के सामने बयान किया जाता है तो इससे इनकी इज्जत छिन जाएगी। बाज़ वालिदैन ये समझते हैं कि समाज में इनका रुतबा कम हो जाएगा और वो समाज में किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं बनेंगे। दरअसल वालिदैन की इसी सोच और कम अखलाकी वजह से नौजवान सीधे रास्ते पर आने में नाकाम हो रहे हैं। भटके हुए बच्चों को राह रास्त पर लाने के लिए अगर वालिदैन की तरफ से थोड़ी कोशिश होती है तो इससे न सिर्फ इनके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा, बल्कि इनकी नस्लें भी सुकून की ज़िंदगी गुजार पाएंगे। आज मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर चुकी है कि नशे का शिकार होने वाले नौजवानों को बहुत कम वक्त में सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है और इस काम का इजहार भी बाहर नहीं होता, मगर वालिदैन को इस सिम्त में पहल करने की अशद ज़रूरत है। जब तक वालिदैन वो सरपरस्तों की तरफ से ऐसे मामलों पर गौर व फिक्र नहीं किया जाता, उस वक्त तक नौजवान नस्ल को सही राह नहीं दिखाई जा सकती। मौजूदा दौर में नौजवान नस्लों को इस नशाखोरी की आदत से ही मुसलमान पसमानदा होते जा रहे हैं। अब तो ये वबा स्लम इलाकों से निकलकर ऊंचे घरानों तक पहुंच चुकी है। जिन घरानों से तवक्का भी नहीं की जा सकती, उन घरानों के नौजवान नशे के आदि बन चुके हैं। नशे की आदत एक वबा है जो कभी भी किसी भी नौजवान को अपना शिकार बना सकती है। हालांकि हर वालिदैन को अपना बच्चा नेक और सालेह दिखाई देता है, लेकिन पसपरदा नौजवान तबाही की राह इख्तियार किए होते हैं। अगर इन नौजवानों को तबाही के आखिरी मरहले में बचाने की कोशिश की जाती है तो ये कोशिश नाकाम होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। इसलिए पानी सर तक पहुंचने से पहले वालिदैन अपने बच्चों को बचा सकते हैं। नौजवानों की नस्लों को तबाही से बचाने के लिए सिर्फ वालिदैन ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा समाज के वो जिम्मेदार जो समाजी कारकुन कहलाते हैं, वो भी इस काम को तहरीक समझकर आगे आ सकते हैं, क्योंकि सबको मिलाकर ही समाज बनता है और जब मुसलमानों की नौजवान नस्ल नशे की आदत में तबाह हो जाए तो कैसे मुमकिन है कि मुसलमान अपना मुस्तकबिल अच्छा पाएंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि अब समाज को गांजा और दीगर नशे की चीज़ों से बचाने के लिए हर एक को तहरीक की शक्ल में आगे आना होगा। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़ बेंगलुरु।